Everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, then hi. My name is Trishti, and I do upload fashion and makeup-related content on my channel. If this is something that you enjoy watching, make sure to subscribe to my channel and exposure ka. मैं कुछ नहीं कर सकती आई डोंट नो क्या हो गया है मेरे फ़ोन के कैमरे को मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ एंड सेटिंग्स भी मैंने कर ली हैं अगर किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि एक्सपोजर कैसे मैं ठीक करूँ किस सेटिंग्स करने के बाद भी एक्सपोजर को लॉक करने के बाद भी सही नहीं हो रहा है और वीडियोस बनाना मैं बंद तो नहीं कर सकती सो दैट्स वाई मैं वीडियोस तो फिल्म करूंगी चाहे कैसी भी आ रही हूँ तो अगर किसी को सोल्यूशन पता है तो कमेंट में बता देना एंड आज ये होने वाला है मीशो विंटर वेयर हॉल आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ विंटर जाने वाली है बट फिर भी आपको अमेजिंग डील्स मिल सकती है ना? शो पर चल रही है सेल एंड काफ़ी सारे क्यूट क्यूट कोजी कम्फी स्टाइलिश पीसेज uh, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस वीडियो सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना कॉमेंट कर देना एंड शेयर कर देना सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट सो स्टार्टिंग विथ हर फर्स्ट पीस जो कि मैंने अभी पहना हुआ है आप देख सकते हैं बॉम्बर जैकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्रॉप है एंड यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जो बॉम्बर जैकेट में यहाँ पे कुछ भी जो साइन रहता है वैसा नहीं है प्लेन है सो so ये प्लेन जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही मुझे मिली है एंड क्रॉपड है जो कि मेरे लिए बेस्ट है बिकॉज मुझे क्रॉप स्वेटर्स हो गई क्रॉप टॉप्स हो गए ये सब पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसको लेयर करके भी आप पहन सकते हो और यहाँ पे बटन्स भी आपको मिल जाएंगे तो आप इस टाइप से भी इसको पहन सकते हो कॉलर आप देख सकते हैं जैसी बॉम्बर जैकेट में डिटेलिंग रहती है वैसी ही है यहाँ पे भी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी कॉलर पे भी मिल जाएगी एंड कलर इसमें ब्लैक मैंने परचेज किया है ब्लैक एंड वाइट सो so, ये मुझे पड़ी थी 437 की जो कि काफ़ी अच्छे रेट्स में मुझे मिल गई मैं बॉम्बर जैकेट काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी बट मुझे कहीं अच्छी सी नहीं मिल रही थी या तो ब्रांडेड मेरे को परचेज करनी नहीं थी बिकॉज इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं करना था तो मैं ऐसे ही नॉर्मल ढूंढ रही थी कि कहीं मुझे अच्छी सी मिल जाए मीशो पे आपको काफ़ी सारी जैकेट्स अवेलेबल हैं बट यहाँ पे साइन के साथ अवेलेबल हैं जो कि ऑब्वियसली फे मतलब लोकल हैं और उसमें ब्रांडेड साइन है तो वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है दैट्स वाई मैंने ये सिंपल परचेज करी ये भी अवेलेबल है तो इसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड आई थिंक साढ़े चार सौ के अप्रॉक्स है जो मैंने अभी प्राइस आपको बोले मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप परचेज़ कर सकते हैं 500 के ऊपर आपको ये पड़ सकती है बट आप जब डिस्काउंट अप्लाई करेंगे वहाँ पे नीचे रहता है और ऑनलाइन आप अगर पे करेंगे तो आप कम में भी परचेज़ कर सकते हैं मैं ऐसा ही करती हूँ मैं ऑनलाइन पे करती हूँ तो मुझे 35 फाइव टू फोर्टी रुपीज़ ऑफ मिल जाते हैं दो तीन डिस्काउंट्स जो रहते हैं वहाँ पे मैंशन रहता है प्राइस के नीचे ही तो वो अप्लाई हो जाते हैं ग्रीन कलर से वहाँ पे मैंशन रहता है तो डिस्काउंट सप्लाई होने के बाद और भी कम में आपको पड़ जाती है तो फोर समथिंग की मुझे ये जैकेट पड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड स्टाइल लगती है सेम डिटेलिंग आपको नीचे यहाँ पे बॉर्डर है इस पर भी मिल जाएगी यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ बट आपको यहाँ पे आ, वीडियो में दिख जाएगी सो so, यस yes, ये मेरा फेवरेट मुझे चाहिए थी और मुझे मिल गई तो मेरी फेवरेट है ये एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ओके सो कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ओके सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट सो अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस जैकेट आप देख सकते हैं सो so अगर आप मेरी रिसेंट वीडियोज देखेंगे तो उसमें जो मैंने अभी डाली थी ट्रिप की जो मैंने डाली थी तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये आ, मैंने पहनी हुई है वाइट कलर की हुडी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है फुल वाइट है ब्लैक मैंने आपको मिंत्रा वाली वीडियो में शेयर करी हुई है आई डोंट नो ये वीडियो पहले जाएगी या मिंत्रा वाली पहले जाएगी आई थिंक ये वीडियो पहले जाएगी तो मिंत्रा वाली में मैंने ब्लैक हुडी क्रॉप हुडी आपके साथ शेयर करी हुई है और इसमें मैं आपके साथ वाइट हुडी शेयर कर रही हुई जो कि मीशो से मैंने परचेस करी है आप देख सकते हैं इसका कैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर आपने मेरी ट्रिप वाली वीडियो देखी होंगी जो रिसेंट अभी मैंने अपलोड करी थी आप देख सकते हैं लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा तो उसमें ये आप देख सकते हैं इसका कैप ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो पूरा सर आपका कवर हो जाता है एंड मुझे बड़े कैप्स ही पसंद हैं सबको बड़े कैप्स पसंद होते हैं और यहाँ पे आपको फुल स्लीव्स मिल जाएंगी ये मैंने फ़िटेड परचेज़ है इस साइज़ में मैंने परचेज़ करी है दैट्स वाई मेरे को ये फ़िटेड है ऐसी लूज़ नहीं है बट अगर आप एक साइज़ आप जाना चाहें तो आप डेफिनेटली एक साइज़ आप परचेज़ कर सकते हैं ज़िपर इसमें आपको जिप मिल जाएगी यहाँ पे तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं दो पॉकेट्स आपको मिल जाएंगी क्रॉप है ये भी आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है ब्लैक एंड वाइट हुडी तो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए तो मेरे पास दोनों हैं बट क्रॉप पैटर्न में है एंड ये ज़िप अवेलेबल uh, है इसमें जो मैं आप मिंत्रा में शेयर करूंगी इसमें जिप नहीं है सो तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये पसंद है मेरे को जैकेट सो तो ये 466 समथिंग की है बट मुझे 368 सिक्सटी की पड़ गई थी डिस्काउंट अप्लाई करके जो कि काफ़ी ईजी है डिस्काउंट अप्लाई करना है नीचे वहाँ पर मैंशन रहता है आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन पे करेंगे तो आप डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जो मैं करती हूँ जैसा मैं करती हूँ वैसा ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस वीडियो सो आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट सो अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज जैकेट आप ये देख सकते हैं ये भी हुडी ही है सो so ये भी क्रॉप सॉरी ये क्रॉप नहीं है ये फुल हुडी है आपको मैरून कलर की मिल जाएगी यहाँ पे ब्लैक कलर की आपको ये मिल जाएंगे डोरी मिल जाएगी एंड यहाँ पे भी आपको ये कैप मिल जाएगी क्वालिटी इसकी अच्छी है बुरी नहीं है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा रिच और अच्छी है एंड इसकी क्वालिटी एट आउट ऑफ टेन है बट इतनी भी बुरी क्वालिटी नहीं है नॉर्मल जैसी आपको मिलेगी वैसी ही क्वालिटी है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में मुझे पड़ गई थी स्क्रीन पे आपको प्राइजेस मेंशन हो जाएंगे वाइट कलर की आपको जिप सॉरी ब्लैक कलर की आपको जिप मिलेगी एंड यहाँ पे डोरी भी आपको ब्लैक कलर की ही मिलेगी एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरून कलर के फुल स्लीव्स है इसको मैंने परचेज किया था एस साइज़ में एंड एस साइज जैसी ही है ये फिटेड है एकदम बट यहाँ पे यहाँ पे मेंशन है एम साइज सो आई डोंट नो कि ये गलती से मेंशन है एस साइज में एम मेंशन हो गया या फिर एम साइज़ की ही है क्योंकि मैंने एस साइज ऑर्डर करी थी और एस साइज जितनी ही मुझे इसकी साइज फिटेड आई है ये सो आई डोंट नो अबाउट दिस एम साइज़ बट मैंने इस साइज़ ऑर्डर करी थी और मुझे इस साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये पड़ी भले ही इस पर एम मैंशन है सो so मुझे नहीं पता आपको साइज़ कौन सी ऑर्डर करनी चाहिए बट आप साइज़ चार्ट में देख सकते हैं अगर अवेलेबल है तो सो so, ये yes, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है नॉर्मल सी हुडी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉकिंग अबाउट अ लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज़ दिस फॉर जैकेट तो आप देख सकते हैं वाइट कलर की आपको फर जैकेट मिलेगी काफ़ी ज़्यादा कम्फी एंड कोजी है एंड क्रॉप्ड है एकदम क्रॉप है एंड इसकी जो पिक्चर में स्लीव्स दिखाई गई थी वो फुल थी एंड पैटर्न इसका थोड़ा सा अलग है ये यहाँ से बंद नहीं है थोड़ी सी वाइड है और ये आ, मैं बताना चाहूँगी कि फुल नहीं है ये आपको थ्री फोर्थ स्लीव्स पड़ेंगी फुल नहीं है ये एंड यहाँ पे आपको कॉलर मिल जाएगी पॉकेट आपको मिल जाएगी आगे इस टाइप से आपको आगे पॉकेट मिलेगी दोनों साइड आपको पॉकेट मिलेगी पैटर्न इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है काफ़ी कम्फी एंड है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रेट्स में आपको पड़ गई थी बहुत बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है जब मैंने इसको परचेज़ किया था आ, तब मीशो पे सिर्फ़ एक या दो कलर ही अवेलेबल थे वाइट एंड ब्लैक अवेलेबल था तो मैंने वाइट परचेज़ किया बट अब मीशो पे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन बेज काफ़ी ज़्यादा कलर आ गए हैं तो आप डेफ़िनेटली इसको भी परचेज कर सकते हैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है फर जैकेट आपको इतने कम प्राइस में सिर्फ मीशो पे ही मिल सकती है मैंने इसको साढ़े तीन सौ में परचेज़ किया था सो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये फर जैकेट मिल गई जो कि पहनने पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है एंड सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है वार्म एंड कोजी है तो आप डेफ़िनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो थोड़ी सी लेट हो गई हों बट पीसेस मैंने आपको सारे ऐसे शेयर करे हुए हैं जो कि वर्थ इट हैं अगर आप परचेज़ करना चाहें तो एंड अभी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं बिकॉज़ ये सारी चीज़ें अवेलेबल बहुत ज़्यादा हो चुकी है मीशो पर भी मिंत्रा पे भी एंड ठंड भी जाने वाली है तो सेल्स भी स्टार्ट हैं एंड अगर आप परचेज़ करना चाहें